Hello students, today we are going to discuss your worksheet number 12, but from now onwards this is the main syllabus worksheet. We are going to start chapter 1st, chemical reaction and equations. So what are chemical reactions? This is the process in which new substance with new set of properties are formed from one or more substances called chemical reaction. This is the definition of chemical reaction. Ek aisi process jismein naye padarth kuch nayi gunon ke saath mein बन रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. और जो बनते हैं फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट. कुछ केमिकल रिएक्शन जो एवरीडे लाइफ में हो रहे हैं, कम्बशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है या किसी भी चीज़ की रस्टिंग, डाइजेशन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, बैटरीज के अंदर चल रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, वॉशिंग एंड बेकिंग, ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शन. तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? If there is a change in color, if there is a change in state, if there is a change in temperature or some gases evolved. These are the main four indicators which tell us that the chemical reaction has taken place. Now there are different ways of representation of a chemical reaction. First one is word equation. जब तक हमारे symbols नहीं आए थे तब हम उसको word equation मतलब शाब्दिक रूप में उसको करते थे. जैसे magnesium और oxygen लिखा हमने तो left hand side में जो भी चीज़ होगी known as reactant. तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज राइट हैंड साइड प्रोडक्ट. बट व्हेन द सिंबल्स केम वी स्टार्टेड राइटिंग इट लाइक दिस, मैग्नीशियम Mg एंड ऑक्सीजन O. व्हेन वी बैलेंस इट, इट बिकम्स 2 एंड O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 2 MgO. सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. जिसको हम किसी रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट. द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट यूज शुड बी रिटन अबो और बिलो द एरो. और इसके बीच में कोई भी चीज़ अगर यूज़ हो रही है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो वो इस एरो के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज द सिंपल क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. हाउ कैन वी से दैट ए गिवन चेंज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इन ए गिवन चेंज ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. सो हमें ये बताना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है. तो इसके अंदर आप जो है ये इंडिकेटर्स लिखोगे इन द आंसर नंबर 1, ऑल द इंडिकेटर्स दैट इफ देर इज अ चेंज इन कलर, इफ देर इज अ चेंज इन स्टेट, इफ देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर और इफ सम गैस इज इवॉल्व, देन द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल. तो इसमें फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं है, टीयरिंग ऑफ पेपर नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो ये दो एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है. आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. तो ये तो बहुत सिंपल है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होंगे वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में जो भी होंगे प्रोडक्ट होंगे. तो आप अलग अलग लिख दोगे. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो इन दिस You can write when the evolution of gas is taking place. So हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि जब गैस का evolution हो रहा है वो दिखाना है हमने. तो इसमें हम अगर calcium carbonate को heat करेंगे तो calcium oxide plus carbon dioxide, ये gas evolve हो रही है. Change in substance color during the chemical reaction. तो इसमें हम जो है iron वाली equation लिख सकते हैं, आयरन एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जब आयरन सल्फेट बनता है FeSO4, ये FeSO4 प्लस कॉपर, तो यहाँ पे पहले क्या होता है? ब्लू कलर, और बाद में बन जाता है ग्रीन कलर. तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के अंदर भी आप जो है एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हीट. तो ये चेंज इन टेम्परेचर का हो गया. अंजलि मदर फॉरगॉट टू कीप द डो इन द रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर, इन द मॉर्निंग चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन नीट. आर दिस केमिकल चेंज फिजिकल और केमिकल? तो डॉग जो है उठ जाता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन हो गई उसके अंदर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो दिस इज ए केमिकल चेंज. Hope you understand the worksheet very well. Thanks for watching. Do subscribe the channel. Thank you.